बिग बॉस 13 में इन दिनों शहनाज और हिमांशी के कंट्रोवर्सी की खूब चर्चाएं बनी हुई है। और वही अब इस कंट्रोवर्सी पर एक शख्स ने इस कंट्रोवर्सी की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी है। पहले लिखा है हिमांशी ने सन्ना से उसके बीएफ का ब्रेकअप करवाया जो कि हिमांशी का भाई था, दैट्स वाई सन्ना हेटेड हर। दूसरा, हिमांशी का गाना आया आई लाइक इट जो कि सच में बहुत बेकार था। तीसरा, सन्ना को मॉक इंटरव्यू में पूछा गया कि बेस्ट और फ्लॉप गाने बताओ तो सन्ना ने हिमांशी के गाने को फ्लॉप बताया। चौथा, हिमांशी के फैंस ने सन्ना को मेंटली टॉर्चर किया। पांचवा, सन्ना ने फैंस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक और वीडियो डाली जिसमें उसने हिमांशी का सॉन्ग का और भी मजाक उड़ाया था। छठा, हिमांशी ने क्रिटिज्म स्ट्रांगली नहीं लिया, उसकी ईगो को हर्ट हुआ तो उसने लाइव आके सन्ना की शक्ल पर कमेंट किया, बोला कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैंने कभी बोला, वैसे भी तुझे कोई इंडस्ट्री में पसंद नहीं करता। सातवां, सन्ना ने फिर वीडियो बनाकर हिमांशी को शैतान बोला। आठवां, हिमांशी ने सन्ना के कैरेक्टर पर कमेंट किया, MMS लीक करवाने की धमकी भी दी, जुलूस निकालने की धमकी दी, परवरिश पर कमेंट किया, बोला कि तुझे तो तेरे पेरेंट्स ने पैदा होते ही फेंक दिया था। सन्ना ने फिर काउंटर अटैक में हिमांशी के मॉम पर कमेंट किया और बोला कि तू आंटी लगती है। दसवां, फिर हिमांशी ने सन्ना को पुलिस की धमकी दी, उसे स्लट बोला और बहुत ही गंदा बोला, एक सॉन्ग भी निकाला उसको जवाब देने के लिए। ग्राहवां, उसके बाद सन्ना ने भी काउंटर में सॉन्ग निकाला। तो ये है सन्ना और हिमांशी की इस फैन के हिसाब से पूरी कंट्रोवर्सी। इस फैन ने जो भी लिखा है इसके हिसाब से तो यही लगता है कि सन्ना ने जो कुछ भी किया है वो सब हिमांशी का जवाब देते वक्त किया है। तो अब आप सभी का क्या कहना है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।